आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट के लिए डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी आईडी को आप ओपन कर लीजिए। इस तरीके से आपका आईडी ओपन हो जाएगा। यहां पर आपका आईडी दिखाई देगा, अपने आईडी पर क्लिक कर लीजिए और यहां पर आपका आईडी दिखाई देगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके पास दो आईडी है तो यहां पर आपको अपना वो आईडी लॉगिन करना होगा जिस आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं। अब यहां से बैक आ जाइए। अब यहां पर मिलेगा आपको थ्री डॉट बटन, अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी, अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पर क्लिक कर दें। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास पेज आ जाएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल डिटेल्स और एक मिलेगा पासवर्ड का ऑप्शन, तो आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा अकाउंट आ जाएगा, पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, तो आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। फिर से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सेटिंग निकल कर आ जाएगा। यहां पर आपको दिखाई देगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल सेटिंग, ध्यान से देख लीजिए। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज निकल कर आ जाएगा। यहां पर आपको मिलेगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन, यानी कि आपको डीएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा और डिलीट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहां पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आपका आईडी आ जाएगा। अगर आपका बहुत सारा आईडी है तो आपको अपना आईडी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हमारा ये आईडी है तो हम अपने आईडी पर क्लिक करेंगे। आईडी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो विकल्प आ जाएंगे, एक आ जाएगा डीएक्टिवेट और एक आ जाएगा डिलीट। तो आपको यहां पर डिलीट पर क्लिक करना होगा। डिलीट पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू बटन दिखाई देगा, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक रीजन सेलेक्ट करना होगा बिफोर योर डिलीट, अपनी आईडी को क्यों डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको एक रीजन सेलेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि अपना एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, अगर आप चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, नहीं तो आपको कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर मिलेगा कंटिन्यू, अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा डीएक्टिवेट अकाउंट, लेकिन आपको डीएक्टिवेट नहीं करना है तो आपको नीचे आना होगा। यहां पर मिलेगा कंटिन्यू, अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप इंतजार करिए, आपकी आईडी का आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो अपनी आईडी का आप यहां पर पासवर्ड फिलअप कर दीजिए और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी आईडी का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर अपनी आईडी का पासवर्ड फिलअप करते हैं। जैसे आप अपनी आईडी का पासवर्ड फिलअप करेंगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज निकल कर आ जाएगा कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। लेकिन आपको एक बात को याद रखना होगा, अगर अपनी आईडी को आप एक बार यहां से डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद आपको 30 दिन का इंतजार करना होगा, यानी कि आपको एक महीने का इंतजार करना होगा, फिर आपका आईडी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा एक महीने के बाद। अगर अपनी आईडी को आप यहां से डिलीट करेंगे इस तरीके से, डिलीट करने के बाद दोस्तों क्या होगा, अगर अपनी आईडी को डिलीट करने के बाद फिर से आप इसे लॉग इन कर लेंगे तो आपका आईडी डिलीट नहीं होगा। अपनी आईडी को डिलीट करने के बाद एक महीने का इंतजार करना होगा और फिर आपका यह आईडी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक नया अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलेगी। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप सीख गए होंगे कि अपनी फेसबुक आईडी को हमेशा के लिए डिलीट कैसे किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।